पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज होशियारपुर के दौरे पर पहुंचे। दरअसल होशियारपुर टांडा रोड स्थित लाचोवाल टोल प्लाजा की मियाद खत्म होने के बाद आज इस टोल प्लाजा को मुख्यमंत्री ने जनता को सौंप दिया। इस टोल प्लाजा की 15 साल की मियाद पूरी हो चुकी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सारे टोल प्लाजा के लिए ऐलान किया है कि हर कोई टोल प्लाजा अपनी एक्सपायरी तारीख लिखकर टोल प्लाजा पर लगाएं। रोहतक में नर्सिंग भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हंगामा करने और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कमेटी के चेयरमैन के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई हुई। सिक्योरिटी गार्ड ईश्वर शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अब नवीन जयहिंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बालक है उनको जॉब दीजा, उनको नौकरी दीजा, और नहीं तो फिर कल हम देखेंगे। हरियाणा के जो बालक है ये देख ले भैया, ये मुख्यमंत्री तेरे शर्माती को नगे रोन लाग रही दिखती को नगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी। हरियाणा के बालका ने जॉब नहीं और ऊपर तक गुंडागर्दी बदमाशी करे हैं। सुन ले सरकार प्रशासन पीजीआई हरियाणा के बालका नौकरी मिल लगी नहीं था अटक कोई काउंसलिंग नहीं होगी। कल बता रहे हम कोई काउंसलिंग नहीं होगी। अरे इनसे बात करे तो बदतमीजी ने बात करे है अपने अधिकारी के लड़े। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प की चिंगारी अब हिमाचल प्रदेश भी पहुंच गई है। धर्मशाला के मैकलॉडगंज में निर्वासित तिब्बतीन संगठन और स्थानीय जनता की ओर से चीन की विस्तारवादी और उकसावे की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में निर्वासित तिब्बतीन के 5 गैर सरकारी संगठन और एक इंडो तिब्बतीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने साथ मिलकर मैकलॉडगंज चौक पर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम में करोड़ों की लूट का कथित मास्टरमाइंड और वांटेड गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दुबई से आने के बाद बुधवार देर रात केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने लगरपुरिया को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला और बांदीपुरा में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जा रहे ट्रांजिट आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान एलजी सिन्हा ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को परियोजना को तुरंत और बिना किसी देरी के काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण का उद्घाटन भी किया। जम्मू के लिए मास्टर प्लान 2035 के तहत लोगों को बेहतर आवास और सुविधाएं देने और राज्य को स्मार्ट सिटी बनाने पर बात की। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम के साथ कई अहम मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें से एक ड्रोन का मुद्दा है। पंजाब में लगातार ड्रोन दाखिल हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि इनकी हरकतों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आए दिन इनकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। Always pleasant. So you raised the issue of the things happening in Punjab also? Well, there are various issues which we discuss, but it was Prime Minister gave a lot of time, and I am grateful for that. And we are very, I can't specify, but a lot of issues. It's a very important concern which has been raised in the state of Punjab. This concern about the Amritpal Singh. Yes. His followers are now seen, taking law in their hands, and they openly took out this. Totally unacceptable. That is not under any circumstances. Law must be upheld, and if this is happening, it is happening every day. We see it in the social media. So this matter has to be brought under control. Law and order, this is going to spoil the law and order. Already the number of drones that are coming in are much more than before. They are bringing more weapons, their duration is more, their capacity is more. They are bringing heroin, they are bringing, you name it, and they are bringing it. Now they are bringing it with a purpose. Who are they going to give it to? People who try to create trouble in Punjab. अटल टनल शिलान्यास पट्टिका को बहाल करने पर हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि हम अटल टनल का नाम नहीं बदल रहे, हम पूर्व पीएम का सम्मान करते हैं। बीजेपी को शिलान्यास करने वालों की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए था, हम पट्टिका को पुनर्स्थापित करेंगे। नहीं नहीं, ना तो किसी की पट्टिका बदली जाएगी, ना ही कोई नाम बदला जाएगा। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल टनल का शिलान्यास
जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम नामांकन किया। उस नाम को हम बदलने वाले नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री थे, हम उनकी भी गरिमा रखते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन लोगों की भी गरिमा रखनी चाहिए थी जिन्होंने इस टनल का शिलान्यास किया था। टांडा के टोल प्लाजा पर किसानों और टोल कर्मियों के बीच झड़प हो गई। स्थिति इस कदर तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को भी हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल पंजाब भर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा 11 जिलों के 18 टोल प्लाजा आज से 15 जनवरी तक बंद करने का ऐलान किया गया था। इसी के तहत किसान चौलांग टोल प्लाजा बंद करवाने को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन टोल प्लाजा कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि किसानों और कर्मियों के बीच धक्का मुक्की सहित लाठियां भी चली। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठियां बरसाई। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार चिंता करे, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद की जा सकती थी वो की गई, लेकिन अब पंजाब में किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार ही चिंता करे, क्योंकि चुनाव प्रचार के समय आप सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब अपने वादों को पूरा करने में सरकार विफल हो गई है। We'll be right back.